A very good morning. Hello, student. I'm your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you, student? I hope you all are fine. Today, I'm teaching you EVS. Now, I'm going to take up chapter 4, My Needs, Health and Hygiene. Okay, तो आज हम chapter 4 पढ़ेंगे, My Needs, Health and Hygiene. Okay, तो ये chapter आपके EVS के science portion का chapter 4 है, जिसका name है My Needs, Health and Hygiene. ओके तो स्टार्ट करते हैं. आप मेरे संग अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे. ओके तो स्टार्ट करते हैं. हेल्थ हेल्थ मींस फ्रीडम फ्रॉम डिसीजेस एंड प्रेजेंस ऑफ इनफ एनर्जी विग्योर एंड वाइटलिटी इन अवर बॉडी टू कंडक्ट डेली एक्टिविटी. हेल्थ मींस हमारी बॉडी में वो हर डिसीजों से फ्री होना, हमारी हमें कोई भी बीमारी ना होना, हमारे हमारी बॉडी में एनर्जी होना किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, अंदर से जिज्ञासा होना. ओके तो हम हेल्थी कब होते हैं? जब हमें कोई भी बीमारी नहीं होती, हमारे अंदर पूरी एनर्जी होती है अपनी डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए. ओके अ क्लियर कम्प्लेक्शन, ब्राइट आई, शाइनिंग हेयर, गुड फिगर एंड साउंड हेल्थ आर द सम ऑफ साइन ऑफ गुड हेल्थ. तो गुड हेल्थ की कौन कौन से साइन होते हैं अच्छी हेल्थ के? चमकती हुई आँखें, शाइनिंग हेयर, गुड फिगर, साउंड हेल्थ. ओके तो ये साइन होते हैं गुड हेल्थ के. ओके आगे बढ़ते हैं. मेंटेनिंग गुड हेल्थ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अवर हेल्थ. ये वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखें. वी कैन मेंटेन गुड हेल्थ बाय कंट्रोलिंग अवर वेट. हम अपनी जो हेल्थ को कैसे वेट कर कैसे मेंटेन कर सकते हैं? अपने वेट को कंट्रोल करके, गेटिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, प्रॉपर अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज करके. रेस्ट एंड स्लीप आल्सो हेल्प अस इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ. रेस्ट और स्लीप भी हेल्प करती है हमारी जो हेल्थ को गुड मेंटेन करने में. ओके आगे बढ़ते हैं. वेट कंट्रोल, व्हेन वी ईट मोर फूड देन अवर बॉडी नीड्स. जब हम ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाते हैं तो क्या होता है बताइए? यदि हम ज़्यादा खाना खाने लगेंगे तो हमारा जो वेट है वो बढ़ जाएगा, हम फैट हो जाएंगे, हमारा जो हम फैट दिखने लगेंगे, है ना. वी कैन कंट्रोल अवर वेट बाय ईटिंग हेल्थी एंड बैलेंस डाइट. यदि हम हेल्थी और बैलेंस डाइट खाएंगे तो जो हमारा वेट है वो कंट्रोल में रहेगा. ओके रेस्ट एंड स्लीप, रेस्ट एंड स्लीप हेल्प अस इन रिगेनिंग द एनर्जी विच वी स्पेंड एट वर्क. रेस्ट एंड स्लीप क्या करती हैं? जो हमारी एनर्जी को रिगेनिंग करती हैं. जैसे हम ज़्यादा वर्क करते हैं, थक जाते हैं, तब हम रेस्ट एंड स्लीप कर लेते हैं, सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो क्या होता है फिर से एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर वर्क करने के लिए. ओके आगे बढ़ते हैं. रूल्स ऑफ गुड हेल्थ, गुड हेल्थ की क्या रूल्स हैं? गुड हेल्थ इज़ अ प्राइसलेस ट्रेजर, इट अलाउ अस टू लीड अ हैप्पी, यूजफुल एंड सक्सेसफुल लाइफ. गुड हेल्थ क्या होती है? गुड हेल्थ हमें अलाउ करते हैं कि हम हैप्पी रहें, यूजफुल रहें, हमारी लाइफ में सक्सेस होएं. यदि हम अनहेल्थी रहेंगे तो हम जो काम करना चाहते हैं वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, है ना. बट यदि हम हेल्थी रहेंगे, हमारी जो हेल्थ है वो गुड रहेगी, तो हम हैप्पी भी रहेंगे, अच्छे से अच्छा काम भी कर पाएंगे और सक्सेस भी हो पाएंगे. ओके देयर आर सर्टेन रूल्स विच हेल्प अस टू स्टे हेल्थी. कुछ सर्टेन रूल्स हैं जो कि हमें हेल्थी रखेंगे. ओके पढ़ते हैं आगे. बैलेंस डाइट, वी शुड ईट अ बैलेंस राइट काइंड ऑफ फूड एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. बैलेंस डाइट फर्स्ट रूल क्या है हेल्थी रहने के लिए? बैलेंस डाइट होनी चाहिए, हमें अच्छे राइट काइंड ऑफ फूड खाना चाहिए, अच्छा फूड खाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए. ओके ऑल फूड आर फैटरिंग इफ़ वी ईट टू मच ऑफ देम. सभी फूड से हम फैट हो सकते हैं, सभी फूड हमारी अनहेल्थी होती है यदि हम उसे टू मच ज़्यादा ही खाएंगे. ओके स्पेशली स्टार्चे फूड, फैट एंड स्वीट वी शुड अवॉइड. स्पेशली हमें स्वीट्स और जो जंक फूड्स होते हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए. ओके सेकेंड है एक्सरसाइज एंड स्लीप. सेकेंड रूल क्या है? वी शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज इफ पॉसिबल इन द ओपन एयर एंड गेट इनफ स्लीप. हमें क्या करना चाहिए? हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, पॉसिबल हो तो ओपन एयर में एक्सरसाइज करनी चाहिए और हमें अच्छे से स्लीप करनी चाहिए. ओके द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप वी नीड डिपेंड ऑन अवर एज. नंबर ऑफ आवर्स जो हमारे सोने के हैं वो डिपेंड करते हैं हमारी एज पे. यंग बेबी स्लीप फॉर 20 to 20 hours डेली. जो यंग बेबी होते हैं, जो छोटे बेबी होते हैं, उनको 20 to 20 hours डेली सोना चाहिए. ओल्डर पीपल नीड बिटवीन 6 to 7 hours. जो ओल्डर पीपल होते हैं उनको 6 to 7 hours सोना चाहिए. ओके थर्ड रूल है क्लीनलीनेस, वी शुड कीप अवर सेल्फ क्लीन. हमें खुद को साफ रखना चाहिए. रेगुलर वॉशिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, स्पेशली द हैंड आफ्टर वी हैव बीन टू द लेबोरेटरी.
हमें अपने हैंड को अच्छे से रेगुलरली वॉश करना चाहिए, और इस समय तो आपको पता है कि हमें अपने हैंड को वॉश करते रहना चाहिए। ओके, तो हमें अपने हैंड को वॉश करना चाहिए, स्पेशली जब हम लेबोरेटरीज वगैरह जैसी जगह हों। टीथ ऑफ कोर्स शुड बी ब्रश एवरी नाइट एंड मॉर्निंग। टीथ को भी हमें साफ रखना चाहिए, और हमें कितनी बार ब्रश करना चाहिए, 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, एक मॉर्निंग में और रात में सोने से पहले। ओके, आगे पढ़ते हैं हाइजीन के बारे में। हाइजीन मीन्स गुड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीनलीनेस, बिल्कुल हर जगह सफाई होना। इट आल्सो मींस टेकिंग केयर ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। इसका मीन्स ये भी होता है कि हम अपनी बॉडी के हर पार्ट की अच्छे से केयर कर रहे हैं, उसे अच्छे से साफ रखे हैं। एंड फॉलोइंग इज एन आइडियल लाइफ स्टाइल, और जो एक आइडियल लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं जनरल क्लीनलीनेस। वी शुड मेंटेन हाई स्टैंड ऑफ क्लीनलीनेस। डर्टी हैंड्स एंड लॉन्ग नेल्स कैरी जर्म्स विच वे गेट इन टू अवर बॉडी विथ अवर फूड। क्या होता है कि हम जब बच्चे जब जब बड़े बड़े नेल्स होते हैं, उससे क्या होता है जब हमारे नेल्स में जर्म्स चले जाते हैं, और जब हम फूड खाते हैं तो वो जर्म्स हमारे माउथ में भी चले जाते हैं। तो हमें प्रॉपरली अपने हैंड को क्लीन रखना चाहिए, अपने नेल्स को प्रॉपरली शार्प करना चाहिए, उन्हें ट्रिम करना चाहिए, काट के रखना चाहिए। ओके, वी शुड ट्रिम अवर नेल्स फॉर टाइम टू टाइम। हमें अपने नेल्स को ट्रिम करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। यदि हम बड़े कर रखेंगे तो उसमें जम्स चले जाएंगे, जम्स चले जाएंगे तो हम खाना खाएंगे तो वो जम्स हमारे माउथ में चले जाएंगे और हम अनहेल्थी हो जाएंगे। ओके, वी शुड वॉश अवर हैंड प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। और हमें हमारे हैंड को अच्छे से वॉश करना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर, खाने से पहले भी अच्छे से वॉश करना चाहिए और खाने के बाद भी अच्छे से वॉश करना चाहिए। ओके, आगे पढ़ते हैं अवर टॉयलेट्स एंड बाथरूम शुड बी क्लीन एंड एयरी। जो हमारी टॉयलेट्स और बाथरूम्स होते हैं वो साफ होने चाहिए और प्रॉपरली एयरी होने चाहिए। दे शुड बी वॉश विथ फिनाइल, हमें उन्हें फिनाइल से वॉश करना चाहिए। द प्लेस वेयर वी ईट फूड शुड बी क्लीन एंड एयरी, जहाँ हम बैठ के खाना खाते हैं, जहाँ हम खाना खाते हैं वो भी साफ होना चाहिए और एयरी होना चाहिए। फूड मस्ट बी कैप कवर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डस्ट एंड फ्लाइज। फूड को हमें कवर करके रखना चाहिए, किससे बचाता है वो हमें, यदि हम कवर करके रखेंगे तो उसमें जो धूल है वो नहीं जाएगी, जो इंसेक्ट कूड़े हैं वो नहीं जाएंगे। ओके, तो हमारे जो वॉशरूम्स हैं होते हैं उन्हें क्लीन रखना चाहिए, एयरी रखना चाहिए, उन्हें फिनाइल से वॉश करना चाहिए। जिस जगह हम खाना खाते हैं वो भी अच्छी साफ होनी चाहिए, और फूड को हमें ढक के रखना चाहिए। ओके, अब आइस। Our eyes are delicate and very valuable to us. जो हमारी आईज है वो बहुत ही नाजुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए। हमें ज़्यादा डिम और ज़्यादा ब्राइट लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए। नॉट वॉच टीवी फॉर लॉन्ग आवर्स, हमें लंबे समय तक टाइम टीवी नहीं देखना चाहिए कंटिन्यू। नॉट रीड इन अ मूविंग कार बस और ट्रेन, हमें मूविंग कार बस और ट्रेन में रीड नहीं करना चाहिए। प्रोटेक्ट अवर आइज फॉर डायरेक्ट सनलाइट एंड ब्राइट लाइट, हमें अपनी आइज को प्रोटेक्ट करना चाहिए डायरेक्ट सनलाइट से और ब्राइट लाइट से। ओके, While reading we should maintain a distance of about 25-30 centimeter from the eyes. यदि हम पढ़ रहे हैं तो हमें प्रॉपरली डिस्टेंस रखना चाहिए जो जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं। ओके, या टी वी देख रहे हैं तो 25-30 सेंटीमीटर का प्रॉपरली डिस्टेंस होना चाहिए। ईयर्स एंड नोज, सेंसिटिव एंड वेरी वैल्यूबल, जो हमारे ईयरडम है वो बहुत ही सेंसिटिव और वैल्यूबल है। इफ़ इट गेट डैमेज वी मे बिकम डीफ, यदि ये डैमेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे तो हम बहरे हो जाएंगे। ओके, हैंड्स पेंस नीडल्स एंड मैचस्टिक शुड नॉट बी यूज टू क्लीन अवर ईयर। पेंस नीडल्स माचिस की तिल्ली हमें अपने कानों में नहीं डालनी चाहिए, कानों में यूज़ नहीं करनी चाहिए उसे साफ करने के लिए। ओके, इन द सेम वे वी शुड नॉट गेट पुट फिंगर्स इन साइड अवर नोज, हमें इसी तरह हम अपनी नोज में भी अपनी फिंगर नहीं डालनी चाहिए। वी शुड ऑक्यूशनली वॉश अवर नोज विथ क्लीन वाटर, हमें अपनी नोज को साफ कर देना चाहिए क्लीन वाटर से। ओके, फीट,
फीट हेल्प अस इन वॉकिंग रनिंग एंड जंपिंग. जो हमारे पैर हैं वो हमें चलने में, रनिंग करने में, जंप करने में हेल्प करते हैं फीट हमारे. ओके, वी शुड कीप अवर फीट क्लीन एंड ट्रिम द टॉय नेल्स रेगुलरली. हमें जो हमारे फीट हैं उनको क्लीन रखना चाहिए और जो पैरों के जो नाखून होते हैं उनको भी ट्रिम करते रहना चाहिए रेगुलरली. वी शुड नॉट प्ले बेयर फुट. हमें बेयर फुट से नहीं खेलना चाहिए. ओके, वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन सॉक्स एंड कम्फर्टेबल शूज़. हमने क्लीन सॉक्स और कम्फर्टेबल शूज़ पहनने चाहिए. ओके, आगे पढ़ते हैं. ओरल हाइजीन. टीथ. नेगलेट अवर टीथ, दे विल क्विकली सफर फ्रॉम डिके. यदि हम अपने टीथ को नेगलेट करेंगे तो ये जल्दी खराब हो जाएंगे. फॉर दिस रीजन वी शुड ब्रश अवर टीथ रेगुलरली. इसी कारण हमें अपने ब्रश को डेली, हमारे जो टीथ है उनको डेली ब्रश करना चाहिए. वी शुड टेक विटामिन ए एंड सी विच आर फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल. हमें विटामिन ए और सी लेना चाहिए जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स में होती हैं. येलो एंड साइट्रस फूड टमेटोज पटेटोज एंड एग में होती हैं. वी शुड नॉट ईट स्वीट बिटवीन मील. हमें स्वीट नहीं खाने चाहिए बिटवीन मील में. स्वीट मेक अवर टीथ वीक एंड दे स्टार्ट फॉलिंग. और ये स्वीट क्या करते हैं, जो होते हैं वो हमारे टीथ को वीक बना देते हैं और ये इससे क्या होता है, हमारे टीथ टूटने लगते हैं, फॉलिंग होने लगते हैं. ओके, वाटर एंड फूड. वी शुड ड्रिंक क्लीन एंड फ्रेश वाटर. हमें साफ और फ्रेश वाटर पीना चाहिए. रिवर वाटर इज डर्टी. वी शुड नॉट ड्रिंक इट बिफोर इट इज ट्रीटेड बाय फिल्ट्रेशन एंड क्लोरेज. जो रिवर वाटर होता है